डिफरेंशियल ऑपरेटर और इंटीग्रेटेड ऑपरेटर, ये दोनों भी चीजें अगर आप लोगों को समझ में आती है, थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड शाइन कर रहा है तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, ठीक है। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि पर्टिकुलरली हम लोगों ने अभी तक के जो है XT, VT, AT, ये जो ग्राफ्स है, ये ग्राफ हम लोगों ने स्टडी की है, और इसी के साथ में हम लोग छह और ग्राफ स्टडी करते हैं, वो होता है VX, AX एंड AV। ऐसे छह ग्राफ मिला के हम लोगों को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस जो होते हैं वो कभी कभी सवाल पूछे जाते हैं। तो अभी ये ग्राफिकल क्वेश्चंस में अभी इसी टाइप के ग्राफिकल क्वेश्चंस, लेकिन अभी हम लोगों को कन्वर्टिंग इक्वेशंस जो है उसके ऊपर से हम लोगों को प्रॉब्लम्स क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। तो टोटल ऐसे कॉम्बिनेशन है, जैसे आप लोगों को एक एग्जाम्पल के साथ में हम लोग शुरू करते हैं। पहले ये जो छो चीजें जो है, दैट इज XT, XT का कन्वर्शन जो है, तो XT के ऊपर से आप लोगों को VT पूछ सकता है या AT पूछ सकता है ना। तो हम लोग जैसे हम एग्जाम्पल देख लो, उसके ऊपर से थोड़ा लॉजिक जाएगा, क्या होती है वो आप लोगों को समझाता हूँ। एक्स एज ए फंक्शन ऑफ, एक्स जो दिया है एज ए फंक्शन ऑफ टी, किसका फंक्शन दिया है, एज ए फंक्शन ऑफ टी उसको दिया हुआ है, तो उसके थ्रू आपको कैलकुलेट करना पड़ता है वी एज ए फंक्शन ऑफ टी। क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, वी एज ए फंक्शन ऑफ टी, यानी आपको दिया है गिवन, जैसे कि यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इक्वेशंस आप लोग बोल सकते हो, क्या जैसे ब्लर दिख रहा है ब्लर अभी, ठीक दिख रहा है सर? ब्लर दिख रहा है, ब्लर दिख रहा अभी भी है ब्लर दिख रहा है, अभी दिखाई दे रहा है? सही? नहीं सर, नहीं सर, ब्लर दिखाई दे रहा है। अभी ब्लर अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा है दिख रहा ना? सर, ब्लर दिख रहा है गुड। सर, ब्लर है सर। अभी दिख रहा है क्या? सही? अभी ब्लरी दिख रहा सर, नेटवर्क प्रॉब्लम सर आपका नेटवर्क बाकी प्रॉब्लम हो रहा सर। है। हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम। हाँ, मेरे को नेटवर्क क्लियर दिख प्रॉब्लम। रहा सर, क्लियर दिख रहा। आपको क्लियर दिखाई दे रहा है? ठीक हाँ है, सर, चलो ट्राई करते हैं। ठीक है, चलो आप पोर्शन में देखते हैं कि किस तरीके से होता है। बड़ी इजी चीज समझा रहा हूं, इतना कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, कोशिश करो समझने की।
देखो डिफरेंशियल ऑपरेटर हम लोग जब इस्तेमाल करते हैं तो कोई भी चीज एज एक्स, एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टी, यहाँ हमको दो चीजें करनी है, एक तो हम डिफरेंशिएट करेंगे या इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, लॉजिकली जो भी चीजें हम लोगों को समझ में आती है। जैसे पहला एग्जाम्पल हम लोग लेंगे, एक्स को डिफाइन किया है एज ए फंक्शन ऑफ टी, जैसे समझो टी क्यूब प्लस टू टी स्क्वायर प्लस टी, ऐसे फंक्शन से क्या किया है इसको डिफाइन किया है, कितने से डिफाइन किया है, जिनको दिखाई देता है वो लोग ध्यान दो, जिनको नहीं दिखाई देता तो फिर ठीक है कोई बात नहीं, हम इसको बाद में ठीक करके सॉल्व करेंगे। तो जैसे x क्या दिया है t क्यूब प्लस टू टी स्क्वायर प्लस t, कितना दिया है, जिनको दिखाई नहीं दे रहा वो सुनाई तो दे रहा है, वो लोग सुन के लिख सकते हो t क्यूब प्लस टू टी स्क्वायर प्लस t, ठीक है। जब हम किसी भी चीज को डिफरेंशिएट करते हैं दो फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं, एक तो इंटीग्रल डी एक्स होगा उसका आउटपुट होता है x, कितना होता है आउटपुट x होता है, और x रेस्ट टू पावर n है इंटू डी एक्स है, तो इस इंटीग्रल का आउटपुट होता है x रेस्ट टू पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाय n प्लस वन, कितना होता है इंटीग्रेशन n प्लस वन, और इसको अगर हम डिफरेंशिएट कर, जैसे आप लोग इंटीग्रल dx है तो उसका आउटपुट आप लोगों को x दिखाई देता है, लेकिन सर कोई चीज को अगर हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, हाँ सर लाइट शाइन कर दा बोलो, हाँ लाइट शाइन कर रहा है, अभी भी लाइट शाइन ही कर रहा है, कुछ नहीं होता सर, है ना जस्ट लाइट शाइन तो कर रहा है, चलो इस साइड में लिख लेता हूं मैं, जैसे x एज ए फंक्शन ऑफ t, t क्यूब प्लस टू टी स्क्वायर प्लस टी ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, x इक्वल टू t क्यूब प्लस टू टी स्क्वायर प्लस टी इतना दिया हुआ है। हमको डिफरेंशिएशन जब भी हम लोग टर्म कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग डिफरेंशिएशन में देखो क्या करते हैं कि जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू n, यानी समझो कि कुछ चीजें है, जैसे टी क्यूब है टी टू द पावर एन है, इसको अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी, क्या करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी, अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो इसका जो भी पावर होता है वो पावर फ्रंट में आ जाता है, और हम लोग यहाँ पे पावर क्या होता है डिक्रीज होता है एक से, तो एन माइनस वन, तो इसका आउटपुट कितना निकला है टी रेस्ट पावर, अगर n होगा तो n सामने आएगा, टी रेस्ट पावर n माइनस वन हो जाएगा, क्या हो जाएगा n माइनस वन, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको ऑपरेट करते हैं, इसको ऐसे ही रख लेता हूं, ऐसी चीज दी हुई है, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे d बाई डी टी, तो पावर का जो फॉर्मूला है वो हम लोगों ने लिखा हुआ है, पावर का फॉर्मूला कितना है, पावर एक से डिक्रीज होता है, अब इसका पावर कितना है थ्री, कितना है पावर थ्री, थ्री आ जाएगा सामने, और ये हो जाएगा t टू द पावर थ्री माइनस वन, कितना हो जाएगा थ्री माइनस वन प्लस टू एज इट इज, हम और इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो डिफरेंशिएट करने के बाद में हमको क्या दिखाई देता है, दैट इज टू इंटू टी का पावर है टू, तो वो टू आ जाएगा टी टू द पावर टू माइनस वन प्लस टी का जो भी डिफरेंशिएशन होता है, टी का पावर वन है वन माइनस वन,
तो टी टू द पावर कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1, सामने में 1 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा ये चीज समझने के लिए एक चीज समझो कि सबसे पहले ऑपरेटर को समझो, ऑपरेटर क्या है। जब भी हम टी का पावर एन लेते हैं और इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू टी, क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो पावर जो होता है वो सामने लिखा जाता है और टी की जो टर्म होती है वो एक से डिक्रीज की जाती है। क्या होता है, डिफरेंशिएशन में पावर एक से कम होता है जब हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ टी रेस टू पावर कितना है, एन है, तो वैसे ही कितना आ जाएगा, एन सामने आ जाएगा और टी रेस टू पावर एन माइनस वन हो जाएगा। उसी तरीके से जैसे समझो अगर टी रेस टू पावर 3 अगर होता है, कितना होता है टी रेस टू पावर 3 होता है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 पावर सामने आ गया, टी रेस टू पावर एन माइनस वन यानी 3 माइनस 1, तो टी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3t स्क्वायर, कितना आ जाएगा, 3t स्क्वायर, यानी टी का क्यूब जो है उसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है, 3t स्क्वायर हो जाता है। अब यहां से आप बोल सकते हो सिंपली इस चीज को ध्यान में रखो, ये उतारो एग्जाम्पल के साथ, अभी हमको यही ऑपरेटर का इस्तेमाल करना है। गुड, चलो हो गया। अब इसको सिंपली अगर हम लोग लॉजिकली देखेंगे, अब इसको आप थोड़ा डायरेक्टली लिखने की कोशिश करो, अगर मैं स्टेप बाय स्टेप लिखूंगा तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, लेकिन अब देखो dx by dt यानी क्या होता है, v, dx by dt यानी क्या होता है, v, वेलोसिटी। हाँ, अब उसको हम x को, x तो हमको पता है d by dt, मैं ऑपरेटर को एज इट इज लिख देता हूं और इसके ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं t³ + 2t² + t, ऐसी चीज हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। सिंपली क्या है, हमने एक ही चीज पढ़ी, उस एक चीज के ऊपर से हम कितने प्रॉब्लम्स बना सकते हैं वो भी चीजें लॉजिकली समझो। अब ये ऑपरेटर है, यहाँ टी फंक्शन है, तो ये ऑपरेटर पहले इस फंक्शन के ऊपर वर्क करेगा, फिर प्लस आएगा, फिर उसके बाद में वो सेकंड ऑपरेटर के ऊपर में वर्क करेगा, फिर और प्लस आएगा, और लास्ट में अगर कोई टी का फंक्शन अगर बचता है तो उसके ऊपर में भी वो ऑपरेट करेगा। अब पहला फंक्शन अगर ऑपरेट करता है उसके ऊपर, तो दैट इज d by dt और t क्यूब, तो इसका आंसर क्या आएगा वो हम निकाल सकते हैं। उसके बाद में ये जो कांस्टेंट टर्म है जो 2 है, न्यूमेरिक वैल्यू होती है जिसका डिफरेंशिएशन इट इज नॉट ए फंक्शन ऑफ t, तो इसको हम लोग 2 को बाहर निकालेंगे, d by dt into t square। उसके बाद में t है, फाइनली dt डिवाइडेड बाय dt, यानी उस t को हमने d by dt इस ऑपरेटर से ऑपरेट करवा दो। यहाँ dt dt गेट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 1 क्या बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ हम लोग t रेस टू पावर n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो जो पावर है वो सामने आ जाएगा, t स्क्वायर हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 3t स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 तो पहले से था, इसका 2 और आ जाएगा और ये t का पावर 1 हो जाएगा, प्लस यहां बची हुई चीज 1, तो यहां से सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3t² + 4t + 1, तो यहां से आपको दिखाई देगा v एज ए फंक्शन ऑफ t। तो अगर हमको x एज ए फंक्शन ऑफ t दिया है तो v एज ए फंक्शन ऑफ t हमको निकालना चाहिए, निकालते आना चाहिए। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, x को एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू टी, कितने समय डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, एक बार, कितने से, एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कितने से, एक्स को विथ रिस्पेक्ट टू टी, देन यू गेट द वैल्यू ऑफ वी इन टर्म्स ऑफ टी, तो वी एज ए फंक्शन ऑफ टी आपको दिखाई देगा। समझ में आया, उतार लो इसको।
हो गया सर। गुड, अब हमको यहाँ बी दिखाई दे रहा है, वी कितना दिखा दिया, वी इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1, कितना है 3t स्क्वायर 4t प्लस 1। अब वी एज ए फंक्शन ऑफ दिया हुआ है, वी एज ए फंक्शन ऑफ टी दिया है, यू हैव टू फाइंड आउट ए एज ए फंक्शन ऑफ टी, ए एज ए फंक्शन ऑफ टी आपको निकालना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, v एज ए फंक्शन ऑफ t दिया है, a एज ए फंक्शन ऑफ t निकालना है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, v को एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमको पता है a इज नथिंग बट इक्वल टू dv by dt एंड v इज ए फंक्शन ऑफ t ऑलरेडी डिफाइन किया है, तो यहाँ पे d by dt into 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1 इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा आंसर कितना निकलेगा, d by dt 3 बाहर निकलेगा, t स्क्वायर प्लस 4 बाहर निकलेगा, dt by dt और 1 इज ए कांस्टेंट टर्म और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होता है। क्या होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होता है। यहां से अगर सॉल्व करेंगे तो ये 3 × 2 = 6 हो जाएगा, 60 प्लस 4 dt के। हो गया। चलो आज थोड़ा सा लेट हो गया, तो हम लोग इसके ऊपर से अभी ये जो दो एग्जांपल्स हम लोगों ने देखे इसके ऊपर से आप लोग असाइनमेंट ले लो, ताकि उस असाइनमेंट को आप लोग सॉल्व करो। कुछ क्वेश्चंस देता हूं, जैसे एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टी दिया हुआ है, एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टी, जैसे समझो 4t स्क्वायर प्लस 2t, कैलकुलेट v एज ए फंक्शन ऑफ t एंड a एज ए फंक्शन ऑफ t, ठीक है। इन सभी इक्वेशंस में आपको सेम चीज कैलकुलेट करनी है। दूसरा इक्वेशन है x इक्वल टू 5t⁶ प्लस t⁵, x इक्वल टू 3⁷ प्लस 8t⁴। फोर्थ प्रॉब्लम ले लो, x इज इक्वल टू 3⁴ प्लस 4t। एंड फिफ्थ प्रॉब्लम, x इज इक्वल टू 65 प्लस 40 क्यूब ले लो, ठीक है। इसको सॉल्व करो और सॉल्व करने के बाद में यू हैव टू फाइंड आउट कैलकुलेट v एज ए फंक्शन ऑफ t एंड a एज ए फंक्शन ऑफ t। सर ग्रुप में सेंड करना है क्या? हाँ ये ग्रुप में सेंड करना है आपको। मैं वैसे इसका फोटो निकाल के आपको ग्रुप पे सेंड कर देता हूँ टुडे असाइनमेंट करके, आप उसको सॉल्व करो।
ये भी इजी है, इसलिए थोड़ा सा इजी इजी टेक्निक के थ्रू हम लोग जाएंगे, फिर धीरे धीरे इसमें अप्रोच करेंगे। क्वेश्चन आप कैलकुलेट करना है ना, v एज ए, अभी जैसे हमने सॉल्व किया ना, x एज ए फंक्शन ऑफ t हमको दिया था, उसको डिफरेंशिएट किया तो v एज ए फंक्शन ऑफ t निकला, फिर इसको और डिफरेंशिएट किया तो a एज ए फंक्शन ऑफ t निकला। इसको वन टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो v ऑफ t निकलेगा, दो बार डिफरेंशिएट करोगे तो a ऑफ t निकलेगा। ठीक है, जो चीज लिखवाई है अभी आपको उसी को आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ो, उसको अच्छे से ऑब्जर्व करो, यू गेट द इजीली यू गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, लिख लिए सभी ने? जैसे मैं इसकी फोटोकॉपी सेंड कर, चलो थोड़ा आज लेट हो गया इसलिए आज हम यही रुकते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में ऑब्जर्व करेंगे। चलो बाय बाय। Bye, sir. Bye.